हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, एंड गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी देखिए, सुबह सुबह हम और दीपाली वॉकिंग करने के लिए आए हैं। देखिए, हाथ में चप्पल लेके घूम रही थी, अभी बोले तो देखिए चप्पल पहन ली है। देखिए, आज सबसे पहले दीपाली उठ गई थी सुबह सुबह, 5 बजे उठ गई थी दीपाली। और सुबह सुबह देखिए बहुत सारे लोग इधर आते हैं वॉकिंग करने के लिए। देखिए वॉकिंग दौड़ने के लिए कर रही है दीपाली। अच्छा दौड़ो तो। देखिए 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 देखिए, नहीं टाइगर नहीं है उधर, टाइगर नहीं है, दौड़ो दौड़ो ना, आओ इधर, इधर आओ। सुबह सुबह आज हमको भी उठा दी और दीपाली मम्मी को भी उठा दी, सबको उठा दी सुबह सुबह। हम खुद उठे थे, अलार्म लगा हुआ है 5 बजे का, तो अलार्म जैसे ही बजने लगा उससे हम पहले उठे, फिर दीपाली उठी, फिर दीपाली की मम्मी। तो दीपाली बोली कि कल शाम को बोल कि वॉकिंग करने जाएंगे, दीपाली को बहुत याद रहता है। तो फिर अभी आए हैं दीपाली और हम। देखिए हाथ में चप्पल लेके घूम रही है, खाली पर चल रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तो हम नहीं पकड़ पाएंगे भाई, दीपाली बहुत फास्ट भागती हैं, दीपाली हमको हरा देती हैं। हाँ, संजू इसकी फ्रेंड, दीपाली की फ्रेंड स्कूल में रनिंग करी थी तो उसको फर्स्ट का प्राइज मिला था। उस दिन दीपाली स्कूल नहीं गई थी, लंच मिला था उस दिन, दीपाली स्कूल नहीं गई थी, तबीयत ख़राब हो गया था इसीलिए, नहीं तो दीपाली को आ जाता प्राइज। चलो रनिंग करो, रनिंग करो। देखिए हमको हरा देती है दीपाली, धीरे धीरे दौड़ना, ड्यूटी का भी टाइम हो गया है, चलते हैं जल्दी जल्दी, फिर रेडी होना है। आज रात को बारिश भी हुआ था थोड़ा बहुत, इसीलिए अभी तक धूप नहीं निकला है, और ठंडा ठंडा मौसम किया हुआ है। और ऐसे रूम पर तो रहते हैं तो पूरा एकदम गर्मी लगता है, पंखा भी चलता है फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि इधर गर्मी बहुत बढ़ गया है, तो इसीलिए अभी ठंडा ठंडा इधर टहलने के लिए आए हैं। देखिए दीपाली तो आगे चल गई है, देखिए अभी तक धूप नहीं निकला है, मौसम बिल्कुल ठंडा है अभी। दीपाली हम सब पहले पहुंच गई थी रूम पर, हम उधर ही खोज रहे थे कि किधर गई दीपाली, भाई किधर छुप गई थी? मंदिर के पास छुप गई थी, हम खोज रहे थे उधर किधर चल गई भाई दीपाली। और आपकी भाभी जी सुबह सुबह नाश्ता बनाने में लगी हुई है, ये रहा आलू की सब्जी, सब्जी बन रहा है। हाँ लास्ट है आलू, लास्ट भी ख़त्म हो गया, आज मार्केट लगेगा तो लाएंगे सब्जी उब्जी। हाथ धो रही है दीपाली, आके हाथ धोते हैं। आलू का सब्जी रोटी बनेगा भाई, देखिए तो नहा के रेडी हो गया हूँ, लेकिन दीपाली अभी तक मुंह भी नहीं धोई है ना ही नहाई है, यहाँ फिर से देख के सो गई है, इसको नींद आ रहा है दीपाली को। जल्दी जल्दी नहाओ ना, फिर पानी चला जाएगा। नहीं गया है, आ रहा है पानी, आओ दिखाते हैं, आ रहा है पानी, ठीक हो गया है, देखिए खाते हैं अब। आज भी हम सबका काम है पैकिंग का, जो स्लीपर पैकिंग होता है वही काम है। तो चलिए किस तरह से होता है दिखा देते हैं कुछ।
चलिए नाश्ता उश्ता कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि काम तो बहुत कर लिए। आज भी पैकिंग का काम था, आप सबको दिखाए ही। और अभी लंच का टाइम हुआ है, अभी लगभग 1:30 बज रहा है। रेगुलर काम किए हैं। ट्रैकमैन का काम ऐसा है कि अभी धूप बहुत ज़्यादा चल रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, या तो थोड़ा मौसम ठंडा है, हवा चल रहा है और उतना धूप भी नहीं है। धूप के टाइम में रेगुलर काम करके अपना खाना उना खा के जहाँ पे काम रहता है वहीं पे आके 4 बजे तक बैठिए, 4-4:30 बजे तक बैठिए, फिर उसके बाद छुट्टी हो जाता है। और ये गला में जो देख रहे हैं पेन रखे हैं, अभी ये धूप के लिए पहनते हैं और टोपी भी धूप के लिए पहनता हूँ। जितना भी ट्रैकमैन है अधिकतर यहाँ के लोग सब यही सब पहनता है, क्योंकि डस्ट का काम, डस्ट ये धूल उल उड़ता रहता है, वही सब के बचाव के लिए देखिए इस तरह से लगाते हैं। ढक जाता है तो वही बचाव होता है, और डस्ट से जो धूल रहता है वो सबसे भी बचाव होता है, क्योंकि हम सब का ज़्यादातर काम धूल में ही होता है। जैसे गाला उला खोलते हैं तो उसमें धूल निकलता है, उड़ता है, तो वही सब बचाव के लिए ये सब पहनते हैं। और बाकी तो कुछ नहीं है। धूप में रेगुलर काम करने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे 12-1 बज जाता है, 12 ज़्यादा तो धूप 12-1 बजे तक ही रहता है, फिर 3 बजे के बाद फिर धूप कम होता जाता है, तो इस टाइम में ज़्यादा धूप होता है, इसीलिए पूरा जो लोहे का सामान रहता है, पारी हो गया, पंजा हो गया, ये सब धूप गर्म हो जाता है तो पकड़ा नहीं जाता। और जैक हो गया, चाहे जितना भी लोहे का ही सामान का यूज हम सब करते हैं तो वो सब पूरा गर्म हो जाता है और काम करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसीलिए एक ही बार रेगुलर काम करके इस टाइम फिर आराम से बैठते हैं, तभी काम उम ख़त्म हो गया है। आप सबको दिखाए ही कि पैकिंग का काम था तो काम हो गया है, तभी खाना उना खाते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं और कुछ बताते हैं आप सबको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, रूम पर तो आ गए हैं और खाना उना भी खा लिए, क्योंकि 1 बज गया था और भूख भी बहुत कस के लग गया था, तो खाना उना खा लिए। अब एक दो घंटा रेस्ट करेंगे, फिर रेस्ट करने के बाद फिर जाएंगे जहाँ पे काम किए थे वहाँ जाएंगे, फिर सामान लेके जहाँ पेटी, जहाँ गैंग हाइट होता है वहाँ पे सामान उमान रख के फिर छुट्टी हो जाएगा हम सबको। तो चलिए, उतना आप सबको दिखाते नहीं, डेली एक ही चीज़ क्या दिखाएं, तो अभी ही आप सबको बता देते हैं, क्योंकि जहाँ पे मेरा काम था वहाँ पे कुछ लेडीज लोग वर्क कर रहे थे ग्रुप डी का, वो भी ग्रुप डी के कर्मचारी थे और उनका डिपार्टमेंट अलग था। और कुछ बहन लोग भी कमेंट किए थे, सवाल किए थे कि जो ग्रुप डी में वर्क रहता है कैसा रहता है, ट्रैकमैन का जो लेडीज रहती है ट्रैकमैन का वर्क करती है कि नहीं करती है, चाहे दूसरा भी डिपार्टमेंट वाले कॉल किए थे, लेडीज ही किए थे बहन लोग, कि ग्रुप डी में जैसे हमको SNT मिला है, चाहे CNW मिला है, चाहे इलेक्ट्रिक मिला है, ये सब का वर्क क्या रहता है, लेडीज लोग को क्या करना पड़ता है, क्या क्या काम रहता है। तो चलिए, आज के वीडियो में यही सब आप सबको बताएंगे। तो पहले मैं आप सबको ट्रैकमैन के बारे में बता देता हूँ कि जो भी बहन लोग का लोग को ट्रैकमैन पोस्ट मिला है तो उनको ट्रैक पे काम करना नहीं रहता है। जैसे जो लड़का लोग रहता है वो सब तो ट्रैक पे काम कर लेगा, पारी पंजा पारी जो 5 किलो 3 किलो का पारी रहता है वो उठा के इधर उधर पैकिंग कर सकता है, लेकिन लेडीज़ से ये सब काम नहीं होता है। तो वो सब, उन सब का काम ये सब घास निकालने का रहता है, कहीं कहीं घास निकलवाते हैं तो कहीं कहीं ऑफिस में उनको छोड़ दिया जाता है, ऑफिस में जो भी फाइल वूल इधर उधर करने का रहता है उनको वहाँ पे लगा देते हैं, लेकिन ट्रैक पे उनका काम नहीं रहता है। और कहीं कहीं पे मैं ये भी देखा हूँ कि लेडीज लोग गैंग के साथ, जैसे जहाँ पे गैंग काम कर रहा है तो वहाँ पे उनको पानी लाने के लिए, जो जितना भी यूनिट में आदमी रहता है उनको पानी पिलाने के लिए छोड़ दिया जाता है, और कहीं कहीं पे ऑफिस में उनको काम दे दिया जाता है कि लेडीज लोग ट्रैक पे क्या करेंगे, इसीलिए उनको ऑफिस में जो भी सामान रिप्लेस होके यहाँ से जाता है, ट्रैक पे से जाता है, लाइनर हो गया, चाबी हो गया, रबड़ बैंड हो गया, यही सब
एक साइड में रखने के लिए काम दे दिया जाता है, ट्रैक पे उनको बुलाया नहीं जाता है ट्रैक मैन के लिए। और बाकी हो गया इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट चाहे CNW, इन सब का क्या वर्क रहता है, इन सब के बारे में भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो भी बहन लोग का CNW चाहे SNT ये सब मिला है तो उनको भी ऑफिस में रहता है, ऑफिस में भी काम रहता है और बाहर भी रहता है। जैसे जिनका SNT में मिला है, SNT डिपार्टमेंट मिला है, तो ट्रैक के बाजू में जो पेटी देखे होंगे आप लोग, पेटी लगा हुआ रहता है, तो वही पेटी के आजू बाजू घास उस निकालने का रहता है। और उसमें वो पेटी जब खुलता है तो उसमें बहुत सारा ये धूल उल जम जाता है, तार वार ये सब रहता है, तो वही सब साफ उफ करने का रहता है, ग्रीस लगाने का रहता है। SNT वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ। और जो इलेक्ट्रिक में रहते हैं, जैसे रूम में जो इलेक्ट्रिक आता है, ये लाइन आता है, तो वहाँ पे ऑफिस में उनका काम रहता है फाइल वगैरह इधर उधर करना, साहब को फाइल इधर से ला के उधर देना, चाहे कुछ भी लिखने का रहता है, तो वो सब लेडीज लोग करते हैं, बाकी इधर उधर उनको नहीं भेजा जाता है। जितने भी जेंट्स लोग हैं तो रूम में अगर बल्ब फ्यूज हो गया चाहे तार कहीं पे जल गया तो वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले जो जेंट्स रहते हैं वो आके ठीक करते हैं। लेडीज लोग का काम रहता है ऑफिस में इधर झाड़ू लगाना चाहे ऑफिस साफ करना, ये सब वहाँ पे काम उनका रहता है। तो जितने भी ग्रुप डी के डिपार्टमेंट है चाहे कोई सा भी पोस्ट मिले लेडीज लोग को, तो उनको बाहर में काम नहीं लगाया जाता है, ऑफिस में इधर उधर करने का रहता है। और जो ट्रैकमैन पोस्ट पे आएंगे लेडीज लोग, तो उनको भी ऑफिस में ही काम लगाया जाता है। जैसे ट्रैक हो गया तो ट्रैक के बारे में उनको उतना नॉलेज भी नहीं रहता, मालूम भी नहीं रहता कि किधर से गाड़ी आता है, किधर से क्या होता है, वो सब तुरंत डर जाते हैं, इसीलिए उनको ट्रैक पे बुलाया नहीं जाता है। अगर बुलाते भी हैं तो साइड में आजू बाजू में घास उस रहता है, वही सब निकालने के लिए दे दिया जाता है, बस और कुछ काम नहीं रहता है। तो टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जितने भी बहन लोग हैं उनको ऑफिस में ही वर्क मिल जाता है, इधर उधर बाहर में उनको भेजा नहीं जाता है, ठीक है। और नाइट भी नहीं उनको भेजा जाता है, जो जिनका ऑफिस में वर्क रहता है तो उनको नाइट भेजा जाता है। और अगर बाहर में ड्यूटी रहता है, जैसे SNT के बारे में मैं आप सबको बताया कि ये बॉक्स ये सब साफ करने का रहता है, तो नाइट में नहीं भेजा जाता है, दिन में ही जो भी काम करने का रहता है दिन में ही उनसे करवाते हैं, नाइट में नहीं भेजते। और हाँ दोस्तों, जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के रहते हैं, जो जिनका वर्क रहता है स्टेशन पे, स्टेशन मास्टर के पास जिनका काम रहता है, लेडीज हो गए चाहे जेंट्स हो गए, उनका फिक्स नहीं रहता ड्यूटी, दिन में भी लगा सकते हैं नाइट में भी लगा सकते हैं, लेडीज रहे चाहे जेंट्स रहे, जिनका ऑफिस में नाइट में ड्यूटी रहे चाहे दिन में रहे, उनको कभी भी लगा सकते हैं। बाकी जो फील्ड में जिनका लेडीज लोग का काम है फील्ड में, तो फील्ड में दिन में ही काम रहता है, काम लगाते हैं, नाइट में नहीं लगाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। दीपाली आप सबसे कुछ बोलेगी भाई? नहीं बोलोगी तो ठीक है, आज दीपाली आप सबसे रुसी हुई है, तो वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है, बाय। और जय हिंद।